Hello everyone, so today in this video we are going to do the types of the diabetes incipidus and their treatment. ठीक है, हमारे पास दो टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस होते हैं. एक हमारे पास होता है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और एक होती है नेफ्रोजेनिक. ठीक है, अच्छा नेफ्रोजेनिक जो होता है ना, अच्छा सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं सेंट्रल. सेंट्रल क्या होता है, CNS रिलेटेड है, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उससे आपका ADH रिलीज ही नहीं हो रहा. ठीक है, और जो नेफ्रोजेनिक है ना उसमें ADH का लेवल तो नॉर्मल होता है लेकिन वो ADH जो होता है अपने रिसेप्टर पे एक्ट ही नहीं करता, मतलब रिसेप्टर रिस्पॉन्स ही नहीं शो कर रहा होता अगेंस्ट ADH. ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले सेंट्रल कर लेंगे फिर उसके बाद नेफ्रोजेनिक कर लेंगे. सेंट्रल में जो हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं इसको याद करने के लिए निमोनिक जो है ना वो देखो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है ना, तो सेंट्रल से सी फिर डी और आई की जगह पे टी लगा दो. ठीक है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, तो सबसे पहले सी से हमारे पास आएगा क्लोप्रोपामाइड. ठीक है, फिर हमारे पास आएगा कार्बामेजेपिन. ठीक है, फिर हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जो है वो आएगा डेस्मोप्रेसिन, मैं दिखा भी देता हूँ. ठीक है, और इसके अलावा थायोजाइड. दोबारा बताता हूँ, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो डेस्मोप्रेसिन हो गया, इसके अलावा आप जो है वो क्लोप्रोपामाइड देते हो, कार्बामेजेपिन देते हो और थायोजाइड्स देते हो. ठीक है, अच्छा जो डेस्मोप्रेसिन है ना ये आप IM देते हो, IV देते हो, सबक्यूटीनियस वगैरह इंट्रानेजल देते हो. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लाइफ लॉन्ग. ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आते हैं नेफ्रोजेनिक. नेफ्रोजेनिक में जो है ना आपको AIT याद रखना है, 8. ठीक है, तो 8 में आप जो है वो अमाइलोराइड देते हो. ठीक है, इसके अलावा आप जो है थायोजाइड देते हो और इंडापामाइड देते हो. ठीक है, अमाइलोराइड थायोजाइड एंड इंडोमेथासिन, सॉरी तीन ड्रग्स हैं, अमाइलोराइड थायोजाइड एंड इंडोमेथासिन. ठीक है, अमाइलोराइड थायोजाइड एंड इंडोमेथासिन, दैट्स इट. Thank you.